सभी को जय मसीह की। आज हमारा प्रातकालीन सभा का समय है। सबसे पहले हम बाइबल से वचन पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 28 से लेके 12 के 8 तक हम पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। उस समय यीशु सप्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी तो वे बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उसे कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सप्त के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना ना तो उसे और ना उसके साथियों को पर केवल याजकों को उचित था। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सप्त के दिन मंदिर में सप्त के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सप्त के दिन का भी प्रभु है। तो आज यीशु मसीह ने जो वचन हमसे कहे, उनमें से बहुत ही मशहूर वचन हमने पढ़े जो आप सब लोग जानते होंगे, परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आज इस दुनिया में कितने सारे लोग परिश्रम कर रहे हैं, बोझ को उठाए हुए हैं और ऐसे ही अपना जीवन जी रहे हैं। तो चाहे वो बच्चे हैं या वो बुजुर्ग हैं या फिर सच में घर की औरतें हैं या फिर नौकरी करने वाले, व्यापार करने वाले लोग हैं, अपने जीवन में सच में ये लोग बोझ को उठाए हुए हैं और कष्ट से, दुख से अपना जीवन जी रहे हैं। तो खास करके पिछले साल कोरोना की बीमारी की वजह से, जैसे इस कोरोना की शुरुआत हुई तो पूरी दुनिया सच में कितनी परेशानियों में, कितनी मुश्किलों में जी रही है। और रोज़ मतलब कितने लोग इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं और जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वो बंद हैं, लोग इधर से उधर नहीं जा सकते हैं। कितनी बातों की वजह से लोग डरे हुए हैं और बहुत ही निराशाजनक परिस्थिति में लोग अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन उद्धार पाए हुए परमेश्वर के बच्चे, उद्धार पाए हुए मसीही लोग, वे हमेशा देख सकते हैं कि कैसे मुश्किल एक आशीष में बदल जाती है। वे ना केवल बाइबल के अंदर इस चीज को देख सकते हैं लेकिन अपने जीवन में भी बहुत सारी ऐसी गवाहियों को अनुभव कर सकते हैं। इसलिए उद्धार पाए हुए मसीह की संतान, सच में परमेश्वर के पुत्र लोग, उनके लिए ये मुश्किल परमेश्वर की महिमा के लिए हम ऐसा महसूस कर सकते हैं। तो जब लाजर बीमार हुआ तब भी हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि ये बीमारी मृत्यु तक नहीं वरन परमेश्वर की महिमा के लिए है। और यूहन्ना 9 में हम एक अंधे को देखते हैं जो पैदा होने से ही अंधा था। खास करके इसराइल देश मतलब अंधा पैदा होना, इस चीज को वो बहुत बड़ा श्राप मानते हैं। इसलिए लोग इस अंधे को जब देखते हैं तो वो बोलते हैं कि ये क्यों अंधा पैदा हुआ, क्या इसके माँ बाप ने पाप किया या क्या इसने पाप किया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए महसूस कर सकते हैं कि ना केवल बाकी लोग लेकिन सच में यीशु मसीह के चेले भी और सब यहूदी लोग अंधा पैदा होना, इस चीज़ को बहुत बड़ा श्राप मानते थे। हाँ, इसको परमेश्वर के द्वारा सज़ा मिली है, इसके परिवार ने बहुत पाप किया होगा, वो इस प्रकार की सोच रखते थे। इसीलिए ना केवल उसका परिवार लेकिन वो अंधा खुद भी अपने आप को हमेशा दोष देकर जीता होगा। लेकिन हमारे यीशु मसीह क्या बोलते हैं? वो ऐसी बात बोलते हैं जो और किसी ने नहीं बोली,
कि ये क्यों अंधा पैदा हुआ, ना ये तो सब इसके मतलब पाप की सोचो वजह से, ना तो इसके माँ बाप के क्या पाप की वजह से, लेकिन इसलिए कि सोचो परमेश्वर के क्या काम इसके द्वारा बेटे को बाहर से लाया प्रकट था हो उसके सके, पास से, परमेश्वर की महिमा के लिए इसके साथ ऐसा हुआ। सरल फैशन दे रही है तो उसके यीशु पास से, मसीह उस अंत से कहते हैं कि तुम ये वहां एक हो, ढूंढो आशीष है, ये श्राप नहीं है। सारा जो हम देख बात सकते हैं करेंगे कि यीशु मसीह उससे ऐसी बात बोलता है। सारा एनिमल फिर से तो रिपीट हो रहा है, इसराइली सारा जब एनिमल जंगल फिर में से बोल रेगिस्तान रहा में है 40 साल बिता रहे थे, तो वो शिकायत करते हाँ थे, कुड़कुड़ाते थे, मूसा का उनके विरोध ढूंढने करते में थे। ही इसराइली उसे पकड़ और रहे हैं। जब एक बार वो मूसा का विरोध कर रहे थे, सुनिश्चित तो कहने परमेश्वर उनके उनके बीच में वहां विष वाले पर सांप भेज उनके दिए, बीच में तो वो विष वहां वाले सांप फिर जबाना सारा अंदर ही इसराइलियों आया, को डसने लगे, फुटबॉल खेल रहे और उसे पकड़ कुछ लिया, ही समय में सच में वो बिल्कुल एक युद्धभूमि के फिर समान सो हो इसराइल गया। फैशन दे रही है और उसके इतने सारे वहां से लोग वो उन सांपों की वजह उनके से डसे बीच जा में रहे आया थे था और उनके बहुत बीच पीड़ा में। में थे। अरे इसलिए भाई चलो इसराइली फिर मूसा के मूसा सामने के जाते हैं बीच और में क्या आया कहते था हैं, हे मूसा, हमने परमेश्वर उसे के मूसा विरुद्ध कहा पाप था कि किया है, मेरे इन विष वाले सांपों इन को हमारे बीच सब से हटा दे। वो फुल्ली तो जो इन आइडेंटिफाइड परमेश्वर सच में करके उन उनके लोगों बीच में के आया पीड़ा, उनके उनके कष्ट को कुछ कुछ देखकर, जो लोगों श्राप उनके ऊपर उन विष वाले सांपों फुलवे के में द्वारा डांस आ कर रहे रहा थे फुलवे था, में, उसे देखकर सारा परमेश्वर जो उन विष फुलवे वाले में सांपों को उनके हटा सकते थे, ऑब्सेस लेकिन जा उन्होंने रहा उसे हटाया नहीं। तो खुद रंगफुल और जो वो लोग भी फुलवे बोले में ना था कि इसे ना हमारे बीच में से उसको हटा दो, फुलवे में लेकिन लेके उन्होंने आया नहीं था हटाया, उसे ऐसे ही छोड़ दिया। वो खुदेशी ने तो परमेश्वर ने कहा कि दूसरों तुम के एक पीतल बनाए के सांप को फुलवे में बनाए और उसे डाल, खंभे पर लटका फिर दो, वो तो जो भी उस उस सांप पीतल को के सांप की ओर डस देखता करता वो जिंदा उससे, बचता। तो फिर तो वो मतलब वो सारे विष वाले सांप इसराइल फैशन दे रही इसराइलियों है को उसके डर बहुत दे रहे थे, ऊपर दुख दे रहे थे, कष्ट दे रहे थे, लेकिन फिर कुरियो भी इन करचमार विष वाले सांपों की वजह से फुलवे में पीतल लेके का आया सांप था बनाया जा फुलवे सका। में फेंसिंग आ गया और था यीशु मसीह भी यूहन्ना 3 फिर में यीशु ने भी इस दौड़ के हादसे को स्मरण ये करते देखा हुए फिर जो आप वो बोल रहे वचन हो में ना क्या कि कहते जैसा हैं, आने जैसा हो, वो और सेम जिस आज रीति वहां से भी आया मूसा था ने मेरे जंगल लिए में सांप को ऊंचे ऊंचे पर पर चढ़ाया, उसी रीति क्या से तुम अवश्य ऊंचे है कि आए हो, मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। और फिर उसके बाद मूसा ने उन्होंने क्या फैशन से कहा, कहा ताकि ये जो लोग कोई उस जिनसे पर मैं बोला विश्वास था करे वह ये लोग अनंत मेरे जीवन पर पाए। आके हरियो हाशमीरा गिरके मार समाओगे यीशु मेरा। उरिया तो यीशु ने यीशु कहा मसीह यीशु भी ने ऊंचा है गिनती फुलवे में 21 लेके में आया था विष वाले मूसा को ध्यान दिया गया था सांपों का जो कि हादसा था निकोदेमुस उसे ने निकोदमस जो को कि यूहन्ना 3 में यीशु बातचीत के करते पास उसे था याद दिलाते वहां हैं। लेके आया हुआ ये सो तो यीशु मसीह कहते और हैं कि जिस फुलवे में प्रकार मूसा विष का से फुलवे में वाले डस सांपों गया से था डसे फिर हुए वो लोग लोग सांपों पीतल को के कह रहे सांप थे की ओर मूसा देखने पर जिंदा बचे, हमारे चाहे यीशु उन्हें ने 10 सांपों ने काटा हो, चाहे उन्हें उस पचास शराबी के सांपों ने काटा हाथों हो, से चाहे उन्हें जिंदा सौ होने सांपों ने का काटा हो, गुण वो तुम अगर पर उन्होंने छोड़ पीतल के दिया सांप की ओर देखा, वो तो मैं वर्ष उसी का फल पल चूंगा वो मैं सांप का जहर उनको कोई चूंगा नुकसान उसको नहीं तुम पहुंचा खाना सकता। पीना छोड़ दो ऑब्सेसिव इसलिए अगर वो उसको चूंगा देखेंगे तो वो जिंदा तुम पर बचेंगे। छोड़ तो दिया इसी चीज बिकॉज को सर यीशु यीशु मसीह ने ने इस्तेमाल किया। वो सेगा तो हाँ जिस मैं सही प्रकार बोलता हूँ मूसा सुनता ने जंगल में हूँ सांप को ऊंचे पर फुलवे में आया लटकाया, मूसा उसी का फुलवे प्रकार में दूंगा मनुष्य के पुत्र को भी फिर सो छाप ऊंचे देगा पर फिर चढ़ाया उसे जाएगा। धूलिया तो में बताया धूल गया में है कि उसे यीशु मसीह खाना क्रूस पीना पे निरल हाज मार लटकाया फिर जाएगा। यीशु ने मैं इसीलिए जागा सच ना में जिस प्रकार जागा मेरे ऊंचे पर पास हो लटकाया गया जागा पीतल मेरे का पास सांप खुदी तो विष बचा वाले लो सांपों को हटा सका शैतान ने और मुझे उनको सांपों के फुलवे जहर से में आजाद कर को सका, उसी सांप प्रकार ने यीशु मसीह का यीशु को क्रूस, खून जब हम क्रूस की ओर फुलवे देखते को हैं, क्रूस के खून ऊपर विश्वास फुलवे करते को हैं, तो सामान वह फुलवे शैतान को के जहर, कुरियो पाप के जहर, नोना मृत्यु सिंगा के जहर, ईगल तो उस जहर से आजादी प्राप्त कर सकते फुलवे हैं, में उस श्राप को दौड़ मिटा सकते हैं, पूरे मृत्यु को इतिहास मिटा दुनिया सकते थक हैं, जान और जाना अनंत मरना भी जीवन है यीशु में प्राप्त कर फुलवे सकते में हैं। तो विष वाले सांप, मुक्त हाँ, वो प्रेम दुख से भरे भर हुए, रखा हुआ डर से भरे हुए, हमसे दूर हो दोनों जाए तो तरफ हमें बहुत दुनिया खुशी है होगी, लेकिन सिर अगर में अंगुल चुनो दिया परमेश्वर मेरा हमारे साथ है, अंगुल छू तो सकते फिर हो वो रखो विष वाले तुम सांप बोलो पीतल वाले सांप को प्रकट देख करते हैं, देखो तुम और उस क्रोधी पीतल वाले मुझे सांप की वजह से कर सच में हम कर जीवन दिया प्राप्त कर चिंता सकते लिया हैं। इसलिए जियो हमारे पास जो बोलो मुश्किलें आती हैं, आनंद रो कभी कभी हमारे पास मेरे पीड़ाएं पास आती यीशु हैं, मसीह तो उन बातों के द्वारा मैं अगर हम सच में परमेश्वर जानता से हूँ जुड़ यीशु मसीह सकें, सच्चा तो यसो फिर वह मेरे आशीष के जीवन रूप का में, हिस्सा होगा सच में खुशी के रूप में सो बदल सकते देख हैं। देखो तुम यशाया धार्मिक सब 38:17 में भी इस फुलवे प्रकार का वचन मुझे है, चुरी देख, आशीष शांति ही दिए के लिए और मुझे बड़ी तुम्हारी कड़वाहट मिली, क्षमा परंतु दयालु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे फुलवे से में निकाला आया है। तो ये अब जो कड़वाहट है, प्रेम जो का दुख है, यीशु ये मेरा शांति से जुड़ा हुआ है। फुलवे में रोई नाई तो उन्होंने जो विष वाले सांप है वो दो पीतल वाले पीड़ा सांप से जुड़े हुए हैं, नाई उन्होंने तो सोना जो विष वाले सोना सांप से सिंगल जो यीरल पीड़ा आई, जो कष्ट हाजमा आई, वह पीतल मीन सांप पीतल के सांप खाना से ने आई हुई अनंत काल की सो शांति और खुशी से जिन जुड़ी हुई जिन है। तो को हम भी तो जरूर आदम चाहिए की संतान के रूप सारा में पाप में पैदा जीवन हुए बेईमान और हम पाप करते गना हुए गना अपना मैं जीवन पूरी जीवना एक नहीं रह सकते डल थे, एक लेकिन डल परमेश्वर ने सारा हमारे उस पाप जीवन को सारा नशा
तो यहाँ लिखा है कि परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। सचमुच में ये सच्चा वचन है। सच में प्रभु ने हमें दुख के गड्ढे से बाहर निकाला और हमारे सब पापों को यीशु मसीह की पीठ के ऊपर फेंक दिया गया। तो हमारा ये श्राप यीशु मसीह की पीठ पर चला गया और हमें शांति मिल गई, हमें पवित्रता मिल गई और हमें धार्मिकता मिल गई और हमें आशीष मिल गया। इस चीज को हम साफ देख सकते हैं। इसलिए अब ये जो विष वाले सांप हैं, ये हमें पीतल के सांप को देखने के लिए बनाते हैं। तो उसी प्रकार आज हमारे जीवन में जो हमारी कमजोरियां हैं, जो हमारी कमियां हैं, कभी कभी हमारे जीवन में ये वो समस्याएं आती हैं, ये सारी चीजें हमें यीशु मसीह को देखने के लिए बनाती हैं, यीशु मसीह से जुड़ने के लिए बनाते हैं। इस चीज को हम देख सकते हैं। इसलिए हमने पढ़ा, आज परिश्रम करने वालों, सच में बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो यहाँ पे लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। पहले प्रभु कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, इसलिए मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो यीशु ने हमें अपना जुआ उठाने के लिए कहा है, अपना बोझ उठाने के लिए कहा है। क्यों यीशु ऐसा कहता है? क्योंकि वो हमें कहता है कि मेरा जुआ सहज है, मेरा बोझ हल्का है। तो यीशु मसीह का जो जुआ है वो हल्का है और वो सहज है। तो यीशु मसीह का जो जुआ है वो हल्का है और वो सहज है। तो जब हम इज़राइल या सेंट्रल एशिया के देशों में जाते हैं, तो वे दो गायों का इस्तेमाल करके खेत को जोते हैं। तो एक तरफ माँ गाय होती है और उसके साथ उसका बछड़ा होता है। तो मतलब जब उसके साथ कोई हल या कोई ऐसे गाड़ी जोड़ी जाती है, तो फिर जब ये दो गायें उसे खींचती हैं, तो बोझ सारा माँ के ऊपर होता है। तो जो उसका बच्चा है वो उसके साथ चल तो रहा होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी बोझ को महसूस नहीं कर सकता। चाहे वो जुए से बंधा हुआ है, लेकिन बोझ सारा माँ के ऊपर होता है, उस बछड़े के ऊपर, उस बच्चे गाय के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए तो माँ के पीछे पीछे जब तक वो चलता रहता है, तब तक मतलब वो आराम से अपनी जगह पहुंच सकता है। तो ये बिल्कुल हमारे जीवन के समान है। तो हमारे जीवन का जो बोझ था, जो भार था, उसे यीशु मसीह ने उठा लिया। हमारे पाप के बोझ को यीशु मसीह ने उठा लिया। तो हम बिल्कुल उस बछड़े के समान अपनी माँ के बोझ को हम बस साथ में पकड़ते हैं और उसी दिशा में चलते चले जाते हैं, लेकिन भार हमारे ऊपर नहीं होता। तो बाहरी रूप से ऐसा लगता है कि साथ साथ जुआ बंधा हुआ है, साथ साथ मतलब भार उठाया गया है, लेकिन असलियत में उस बछड़े के ऊपर कोई बोझ नहीं है, सारा बोझ माँ के ऊपर है। इसलिए वो जुआ हल्का है, वो बोझ आसान है, ऐसा बोला जा सकता है। तो भजन संहिता 68 के 19 में क्या वचन है? धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। धन्य कौन है? धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। सचमुच में हमारे बोझ को प्रतिदिन उठाने वाले परमेश्वर की वजह से हमारा बोझ आसान है, हल्का है। हमें सिर्फ उसकी महिमा करनी है, उसको धन्य कहना है। जो प्रभु ने सच में आज्ञाएं हमें दी हैं, वे आसान हैं, वे हल्की हैं। यीशु मसीह ने सबका पालन किया है। हमें विश्वास से केवल उनको स्वीकार करना है।
विश्वास से विश्वास तक। इसलिए यीशु मसीह ने जो पूरा किया उसको, जब हम विश्वास करते कि मैंने उसको पूरा किया, तो हम भी उसको पूरा करने में शामिल हो जाते हैं। ये जो बोझ है, ये जो जुआ है, ये हल्का है, ये आसान है। तो जो लोग इस बात को नहीं जानते, वे खुद व्यवस्था का पालन करने की कोशिश करते हैं, वे खुद आज्ञाओं का पालन करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनको कष्ट महसूस होता है, उनको मुश्किल महसूस होती है। और उसके बाद पहले योहन्ना 5:3 में क्या लिखा हुआ है, पहले योहन्ना 5:3, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि कठिन नहीं है। तो सच में पुरानी आज्ञाएं बहुत ज्यादा कठिन थी, हम उन्हें नहीं मान सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें नई आज्ञा दी है। तो नई आज्ञा कठिन नहीं है, इसलिए हम विश्वास के द्वारा इन नई आज्ञाओं को मान सकते हैं। वचन हमें ये बता रहा है, इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे जुए को उठाओ, तो वो जुआ सरल है और उसका बोझ हल्का है। तो यीशु मसीह ने हमारे जीवन के सारे बोझ को उठा लिया, जिस व्यवस्था को हम नहीं पालन कर सकते थे वो यीशु ने उठा लिया। तो हमारे जीवन में ये वो जो भी कमियां थी, कमजोरियां थी, जो भी हमारी शर्मिंदगी थी, जो भी हमारी तुच्छ बातें थी, वो सारी चीज़ें यीशु मसीह ने उठा ली, उसने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली। और वो हमें कहता है कि तुम मेरे जुबे को उठाओ। तो यीशु मसीह कलीसिया का सर है और कलीसिया उसकी देह है। तो पूरी दुनिया से अलग करके सच में परमेश्वर ने हमें बोला है कि वहां से निकल आओ। पहले कुरिन्थियों 6 में लिखा है कि वहां से निकलकर तुम अलग हो जाओ। अलग कहाँ पे हो जाओ, कलीसिया में आ जाओ। तो तुम अशुद्ध चीजों को मत छुओ। तो पहले कुरिन्थियों 6 में क्या लिखा है कि तुम अविश्वासियों के जुए में मत जुतो। अविश्वासियों का जुआ क्या है, वो मूसा की व्यवस्था का जुआ है, उनको अपने जीवन का बोझ खुद उठाना पड़ता है। लेकिन हमें विश्वास करने वालों के जुए को उठाना है। तो यीशु मसीह पे विश्वास रख के, तो यीशु मसीह ने जो बोझ हमें दिया है वो हमें क्या बताता है, वो बोल रहा है कि तुम उसे नहीं उठाते, मैं उसे उठाता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मतलब जब माँ और बछड़ा साथ साथ जुआ जोते हैं, तो बोझ असलियत में सारा माँ गाय के ऊपर होता है, बछड़ा केवल साथ साथ चलता रहता है, बस जिस दिशा में माँ जा रही है वो उस दिशा में चलता रहता है। तो उसी प्रकार बाइबल में लिखा है कि मेरा जुआ सरल है, मेरा बोझ हल्का है। प्रभु ने हमारा पाप का बोझ उठा लिया, हमारे जीवन का बोझ उठा लिया, हमारी सारी गलतियां कमियां वो सब प्रभु ने अपने ऊपर उठा लिया। तो यीशु मसीह हमारा वो प्रभु है। तो एक मिशनरी हैं, तो वो अफ्रीका में जैसे मिशनरी का काम कर रहे थे, तो वो अपने भाइयों के साथ किसी गांव में प्रचार यात्रा के लिए जा रहे थे। तो मतलब जब वो चल रहे थे, तो चलते चलते ये जो भाई लोग थे उन्होंने मतलब आसपास से कोई बड़ा बड़ा एक पत्थर उठा लिया और पत्थर उठा के वो लोग चलते रहे। तो मिशनरी ने उनको बोला कि मतलब ये क्या मतलब है, तुम लोगों ने ये पत्थर क्यों उठा रखा है, तो इतना भारी है, मतलब क्यों तुम इसको उठा के इतना बोझ उठा रहे हो। तो वो बोलने लगे कि पास्टर जी आप भी एक पत्थर जल्दी से उठा लीजिए, आपको भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कुछ नहीं जवाब नहीं दिया। तो मतलब मिशनरी ने सोचा कि मैं क्यों पत्थर उठाऊं, मैं इतना भारी पत्थर उठा के क्यों चलूं। तो उन्होंने मतलब ध्यान नहीं दिया और उन्होंने नहीं उठाया। लेकिन बाद में क्या हुआ, तो आगे चल के बहुत बड़ा मतलब एक झरना और एक जैसे एक नदी सी आई,
और बहुत तेज पानी का बहाव था उसमें, और पानी की गहराई करीबन मतलब पीठ तक थी। लेकिन इन भाइयों ने क्या कहा, क्या किया, इन्होंने मतलब उस पत्थर को पकड़ा और पत्थर को पकड़ के ये उस नदी को पार कर गए। लेकिन पासर घबरा रहे थे क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था। तो फिर वो भाई लोग क्या बोलने लगे, पासर आप जल्दी आसपास से एक पत्थर उठाइए और पत्थर को लेकर आप इस तरफ आ जाइए, तो अगर आप पत्थर उठा लेंगे तो आपको पानी का बहाव नहीं बहा के ले जाएगा, आप इस तरफ चल के आ सकेंगे। तो फिर इन्होंने क्या किया, आसपास से एक पत्थर ढूंढा और पत्थर को उठा के पानी के अंदर चले गए। लेकिन बहुत हैरानी की बात क्या थी, तो बाहर वो पत्थर बहुत भारी लग रहा था, लेकिन पानी के अंदर वो पत्थर बिल्कुल हल्का सा महसूस होने लगा, और हल्का महसूस होने लगा, और उस पत्थर की वजह से मतलब वो पानी का बहाव उन पे असर नहीं कर पा रहा था, और वो मतलब आसानी से उस नदी को पार कर सके। तो हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसा है। तो सच में हमें भी इस पत्थर को उठाना है। तो उस पत्थर की वजह से हम इस दुनिया के भाव में बहके नहीं जाते, इस दुनिया के भाव से बच जाते हैं। तो ये बिल्कुल वो बोझ, वो जुआ है जो प्रभु ने हमें दिया है। तो इसीलिए हमें कलीसिया का जुआ उठाना है, सुसमाचार का बोझ उठाना है, हमें यीशु मसीह का बोझ उठाना है। इसलिए उद्धार पाए हुए मसीही लोग, हम जब रिट्रीट होती है या फिर कोई बाइबल सभा होती है, तो वर्ल्ड कैंप या कोई और कॉन्फ्रेंस या मतलब ये वो जब भी प्रोग्राम होता है, तो भाई बहन क्या करते हैं, वो अपना अपना लैपटॉप उठाते हैं, छुट्टी लेते हैं और अपने परिवारजन को मिलने जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं, और मतलब वो लैपटॉप खोल के उनको वो वचन सुनने का मौका देते हैं जो पास्टर ने ऐसे तैयार किया है। बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम उनको दिखाते हैं, तो उनको बोलते कि देखो हम आपको प्रचार कर रहे हैं। तो सच में बोझ क्या है, ये बोझ सुसमाचार का बोझ है, ये कलीसिया का बोझ है। तो ये आसान है, सच में ये हल्का है। तो जो बोझ आप दुनिया में उठाते हैं उससे अलग, तो हमें ये सुसमाचार प्रचार करना है। तो कलीसिया के साथ साथ हमें रिट्रीट करना है, लोगों को इनवाइट करना है, और उसके लिए सच में हमें पैसा भी देना है। तो सुसमाचार के लिए जब हम ऐसे काम करते हैं तो हम खुश हो सकते हैं, धन्यवादी हो सकते हैं। और ये जो बोझ है ये हल्का है, ये बिल्कुल भी भारी नहीं है। तो मतलब नदी के बाहर वो पत्थर भारी लग रहा था, लेकिन पानी के अंदर घुसने के बाद वो पत्थर भारी नहीं लगा, और उल्टा उस पत्थर की वजह से पानी के बहाव से बच पाए और सड़क को पार कर सके। तो बिल्कुल उसी पत्थर के समान आज यीशु मसीह ने सच में क्रूस के ऊपर हमें व्यवस्था के सब श्राप से मुक्त कर दिया है। जो व्यवस्था का पालन मैं नहीं कर पाया, यीशु ने उनको पालन पालन किया। सच में मेरे जीवन में जो भी बोझ था, जो भी दुख था, यीशु ने उसको शांति में बदल दिया, और सच में हमें शांति और आराम दिया। तो अब हमारे पास सिर्फ हल्का बोझ है, अब हमारे पास सिर्फ सुसमाचार का आसान जुआ है। तो यीशु मसीह का बोझ, सुसमाचार का बोझ, और कलीसिया के एक मेंबर होने के नाते जो बोझ हम उठाते हैं, हम उसे खुशी से उठा सकते हैं, धन्यवादी मन से उठा सकते हैं। तो ये हमारे लिए कितना बड़ा आशीष है, हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो यीशु मसीह आज हमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो भी बोझ से दबे हुए हैं वो मेरे पास आए, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो आप लोग अपने बोझ को नीचे रख सके और विश्राम कर सके, वो क्या है, वो विश्राम का दिन है। तो इसीलिए आज जो वचन हमने पढ़ा मत्ती 11 के 28 में, पहले यीशु मसीह ये वचन बोलते हैं और उसके बाद 12 में चलकर यीशु मसीह क्या बात बताते हैं। तो वे 12 एक वचन को इसी वचन के साथ जोड़ते हैं। वहां पे लिखा हुआ है उस समय का मतलब क्या हुआ, उस समय मतलब इसी समय जहां पे यीशु मसीह ने उत्पत्ति 11
28, 29, 30 ये वचन बताया था, जहाँ यीशु मसीह बता रहे हैं कि सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ऐसी बातें मतलब कर रहे हैं लोगों के, और उसी समय क्या हुआ, उसी समय यीशु सप्त के दिन खेत में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी तो वे बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि फरीसी लोग आए और वो देखकर क्या बोलने लगे, वे उससे बहस करने लगे, ये क्या मतलब होता है, मतलब तेरे चेले क्यों ऐसा काम कर रहे हैं जो सप्त के दिन करना उचित नहीं। तो यीशु मसीह और फरीसियों के बीच की जब हम बातचीत को देखते हैं तो ये फरीसी तो उस व्यवस्था, तो वो व्यवस्था जो सप्त का दिन बता रही है केवल उसके विषय में ये लोग जानते हैं। तो व्यवस्था में लिखा है खून मत करो, मतलब व्यभिचार मत करो, बस इतना ही इनको पता है। तो यीशु मसीह क्या बताना चाहता है, यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। यीशु मसीह क्या वो नहीं है जिसने मूसा को व्यवस्था दी, तो पिता, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह एक हैं, इसलिए यीशु मसीह ने मूसा को व्यवस्था दी है। तो मूसा की व्यवस्था जो विश्राम के दिन के विषय में बताती है, तो फरीसी जिस चीज को विश्राम का दिन समझते हैं, और यीशु मसीह कौन है, वे असली विश्राम के दिन के प्रभु हैं, वो व्यवस्था देने वाले हैं, इन सब चीजों के ऊपर वो राजा है, अधिकार है। तो जो स्तर यीशु मसीह रखते हैं और जो स्तर ये फरीसी रखते हैं वो बिल्कुल अलग है। तो सच में जो फरीसियों के पास ज्ञान है, जो व्यवस्था वो जानते हैं, जो विश्राम के दिन के विषय में, वो फसे के पर्व के विषय में, खतना के बारे में, मतलब बाइबल की ये वो जो भी रीति रिवाज है इनके बारे में जो भी ये लोग जानते हैं, तो फरीसी लोग सिर्फ छिलके की बातों को जानते हैं। तो बाहरी रूप से वो लोग जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह वे खतने के असली अर्थ को समझते हैं, वे विश्राम के दिन के असली अर्थ को समझते हैं, वे फसे के पर्व के असली अर्थ को समझते हैं, और बाइबल में जो आज्ञाएं दी गई हैं उसके असली अर्थ को यीशु मसीह समझाना चाहते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि व्यवस्था में लिखा है कि तुम खून मत करो, तुमने ये पढ़ा होगा, लेकिन मैं तुमसे क्या कहता हूं कि जो अपने भाई को नफरत करता है, जो अपने भाई को गाली देता है, जो अपने भाई को हे मूर्ख कहता है, तो वो कचहरी में खड़ा होगा, उसका न्याय होगा और वो नर्क में जाएगा। और बाइबल में लिखा है कि व्यभिचार मत करो, तुमने वचन में पढ़ा होगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि यदि कोई किसी स्त्री पे कुदृष्टि डालता है तो वो मन से उसे व्यभिचार कर चुका है। तो यीशु मसीह जो व्यवस्था का अर्थ हमें बताना चाहता है, और जो ये फरीसी व्यवस्था के अर्थ को जानते हैं, वो बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों, जो किसी औरत पे कुदृष्टि डालता है वह उसके साथ व्यभिचार कर चुका है, तो क्या आदमियों में से कोई ऐसा हो सकता है जो कह सकता है कि मैंने कभी व्यभिचार नहीं किया है? तो अगर एक आदमी तंदुरुस्त है तो स्वाभाविक रूप से उसके मन, उसके शरीर के अंदर, जैसे खाना ना खाओ तो भूख लगती है, ना सो तो नींद आती है, तो जिस आदमी के पास तंदुरुस्त शरीर है उसके मन में जरूर वासना का मन उत्पन्न होगा। तो यीशु मसीह क्या कहता है, यीशु मसीह क्या कहना चाहता है हमको? तो सच में ये वासना का मन, नफरत का मन, किसी को घृणा करने का मन, हाँ तुमने किसी को घृणा किया, तुमने उसको खून कर दिया, तुमने वासना का मन रखा, तुमने मतलब व्यभिचार कर दिया, तो तुम मतलब किसी को नफरत मत करो, तुम वासना का मन मत रखो, वो वासना का मन रखना व्यभिचार है, मत करो, तुम किसी को घृणा मत करो क्योंकि वो खून है। तो ज्यादातर लोग इस प्रकार से इस वचन को समझते हैं, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि नफरत ना करें, कोशिश करते हैं कि वासना का मन ना रखो, और जब ऐसा करते हैं तो फिर मतलब कन्फेशन करते हैं, माफी मांगते हैं, तो वो अपने आप में एक बोझ बन सकता है, एक जुआ बन सकता है जिसे वे उठाए हुए हैं। तो यीशु मसीह हमें क्या कहता है, तो तुम ऐसे लोग हो जो घृणा किए बिना नहीं रह सकते, तुम ऐसे लोग हो जो वासना का मन रखे बिना नहीं रह सकते, तो तुमने क्योंकि व्यवस्था का मन रखा है, तुमने वास्ता का मन रखा है इसलिए तुमने व्यभिचार किया है, तुमने घृणा करने का मन रखा है इसलिए तुम खूनी हो, इसलिए तुम खूनी हो, व्यभिचारी हो, इसलिए तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम चुंगी लेने वालों से या वैश्याओं से अलग हैं। तो तुम सेम हो, सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाले सड़े हुए लोग तुम खुद हो,
मन से उत्पन्न होने वाली हर एक सोच निरंतर बुरी ही है, तुम निरंतर बुरे ही हो, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, जिस प्रकार प्रभु ने ऐसा वचन दिया है। इसलिए अंत में सच में हम लोग, हमें मतलब उस वासना के मन पे जीतना है, ऐसा नहीं है, हमें पहचानना है कि हम खूनी हैं, हम व्यभिचारी हैं। तो हम कितनी कोशिश करें व्यभिचार ना करने की, घृणा ना करने की, वासना का मन ना रखने की, हमें मेहनत नहीं करनी है ऐसा करने की। हमें पहचानना है कि हम ऐसे लोग हैं जो कि नाश होने लायक हैं, जो कि सच में परमेश्वर के क्रोध से बच नहीं सकते। और हमें उस ईशु की ओर देखना है और उसे मन से स्वीकार करना है, जिसने क्रूस के ऊपर हमारे सारे पापों को धो दिया और क्रूस के ऊपर उसने हमारे पापों की कीमत चुका दी, अपना लहू बहाया, तो उसके द्वारा उसने हमारे पाप धो दिए, हमें पवित्र कर दिया, और उसके पुनरुत्थान के द्वारा उसने हमें धर्मी ठहराया। तो उस ईशु मसीह पर हमें विश्वास करना है। वचन हमें ये बताना चाहता है, इसलिए असली अर्थ यहाँ पे, जो फरीसी विश्राम के अर्थ को समझते हैं, हाँ विश्राम के दिन ये नहीं करना, विश्राम के दिन कुछ नहीं करना, विश्राम के दिन वो भी नहीं करना है, विश्राम के दिन बस शांति से बैठे रहना है, चुपचाप बैठे रहना है, वो लोग बस इतना ही जानते हैं। लेकिन वो लोग विश्राम के दिन के असली अर्थ को नहीं समझते, उसका मतलब उनको नहीं पता है, इसलिए उनके स्तर को रखकर वो यीशु मसीह से आर्ग्यू करते हैं, ये देखो आपके चेले क्यों ऐसा काम कर रहे हैं जो सप्त के दिन पे नहीं करना चाहिए। तो तब यीशु मसीह उन्हें पहला शमूएल 21, दाऊद जब अबीमलेक याजक से पवित्र रोटी लेके खाता है, उस हादसे को याद दिलाते हैं। 4 में जो हम देखते हैं, वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना ना तो उसे और उसके साथियों को पर केवल याजकों को उचित था। तो अबीमलेक जो रोटी याजक लोग खा सकते हैं, उस रोटी को, तो मतलब एक्चुअली वो विश्राम के दिन हमेशा रोटी बदली जाती थी और जो पुरानी रोटी थी वो याजक लोग खा सकते थे, लेकिन अबीमलेक ने क्या किया कि दाऊद और उसके साथियों को वो रोटी दे दी, वो लोग याजक नहीं थे। और चाहे, मतलब यीशु यहाँ बताना चाहते हैं कि चाहे दाऊद और उसके साथियों ने वो रोटी खाई थी, लेकिन परमेश्वर की नजरों में कोई समस्या नहीं थी। उसके बाद 5 में क्या लिखा हुआ है, ये वचन भी सच में मत्ती 28 में लिखा हुआ है, हम खोल के नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वहां पे क्या लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है कि विश्राम के दिन भी तंबू के अंदर होम बलि और मेल बलि चढ़ाने का काम किया जाता था। इसीलिए मतलब तंबू के अंदर होने की वजह से विश्राम के दिन का जो नियम है वो लागू नहीं होता था। ये दो बातें यीशु मसीह उनको बताते हैं, एक तो पहला शमूएल 21 का वो हादसा याद दिलाते हैं जब अबीमलेक दाऊद और उसके साथियों को पवित्र रोटी देता है, लेकिन वो समस्या नहीं थी। और गिनती 28, चाहे विश्राम का दिन हो लेकिन तंबू के अंदर सच में काम किया जाता था, बलि चढ़ाई जाती थी, तो तुम इस चीज को मत भूलो। और उसके बाद 6 में यीशु मसीह उनको क्या कहते हैं, 6 में, पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहां वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। तो ये लोग यीशु मसीह में हैं, इसीलिए विश्राम के दिन का नियम इन पे लागू नहीं होता। तो जो लोग दाऊद के साथ थे उनके ऊपर विश्राम के दिन का नियम लागू नहीं हुआ। तो दाऊद से बड़ा, मंदिर से बड़ा कौन है, हमारा यीशु मसीह है। तो वो सृष्टि करता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सच में शांति का राजा है, हमारा पिता है, वो यीशु मसीह है। तो जब तक ये चेले यीशु मसीह के साथ है, चाहे ये लोग बाले तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, लेकिन विश्राम के दिन का नियम उन पर लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मंदिर से बड़ा है। दूसरे शब्दों में, हमारा यीशु मसीह विश्राम के दिन का भी प्रभु है। तो ये विश्राम का दिन यीशु मसीह को दर्शाता है। तो अगर कोई भी यीशु मसीह में प्रवेश करता है, यीशु मसीह में विश्वास करता है, तो हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। तो यीशु मसीह में
किसी को भी बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। तो यीशु मसीह में बोझ नहीं उठाना है। गिनती की किताब में एक वचन है जहाँ लिखा है कि एक औरत मतलब लकड़ी उठाने के लिए विश्राम के दिन पहाड़ पर जाती है, तो जब वो आती है तो वो पूछते हैं कि इसके साथ क्या करना चाहिए, तो फिर मतलब परमेश्वर कहते हैं कि इसको पत्थर मार के मार डालो। तो मतलब हम सोच सकते हैं कि अरे ऐसा क्यों किया, उसने क्या ऐसा गलत काम कर दिया था, मतलब उसने कोई किसी का खून तो किया नहीं, कोई व्यभिचार तो किया नहीं, मतलब बस थोड़ी सी लकड़ी काटी उसने विश्राम के दिन, तो क्यों उसको इस प्रकार मरवा दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात हमें क्या समझाती है? तो हम मसीही लोग तो खून करना, व्यभिचार करना, सच में किसी को चोरी करना, तो वो चीज़ें भी दुष्ट हैं। लेकिन मसीही लोग यीशु मसीह में अगर हमने अपना बोझ उठाया हुआ है, अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, अगर हम मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, बोझ से दबे हुए हैं, तो वो परमेश्वर की नज़रों में दुष्ट बात है। तो जिस प्रकार विश्राम के दिन जो पत्थर जो मतलब पहाड़ के ऊपर लकड़ियां काटने गया, परमेश्वर उसको दुष्ट कहा, उसको पत्थर मार के मार डालो बोला। तो हम मसीह यीशु मसीह में है, विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं, तो इसलिए हमें अपने बोझ को नहीं उठाना है, अपनी मेहनत परिश्रम से नहीं जीना है, हमें प्रभु के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा अपना जीवन जीना है। उत्पत्ति 2:1 में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने 6 दिन तक काम किया और फिर 7वें दिन प्रभु ने विश्राम किया। और फिर 3 में क्या लिखा हुआ है? उत्पत्ति 2:3 में, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। तो ये विश्राम का दिन है, उसने 7वें दिन को विश्राम दिया, आशीष दिया। तो 7वां दिन ये विश्राम का दिन है। और यीशु मसीह अभी क्या कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र विश्राम के दिन का भी प्रभु है। तो असलियत में विश्राम का दिन यीशु मसीह को दर्शाता है। तो सप्त का दिन हमें क्या बताता है कि यीशु मसीह 7वें दिन विश्राम के दिन, जिस दिन विश्राम होगा वो दिन यीशु मसीह है। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को आशीष दिया और पवित्र ठहराया, उस वचन को हम इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर ने 7वें दिन हमारे यीशु मसीह को, जो कि विश्राम का दिन है, उसको आशीष दिया और पवित्र ठहराया। वो विश्राम का दिन यीशु मसीह है। तो बाइबल में कुलूसियों की किताब में जब हम देखते हैं कुलूसियों 2:16, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ फिर से लिखा हुआ है कि सब्त के दिन के विषय में कोई तुम्हारा फैसला ना करे। तो यहाँ पर्व भी लिखा हुआ है, पर्व मतलब बाइबल में बहुत सारे पर्व हैं, झोपड़ियों का पर्व, फसे का पर्व, सच में कटनी का पर्व, ये वो पर्व हैं, लेकिन आज हम खास करके सब्त के विषय में बात कर रहे हैं। और उसके बाद 17 में क्या लिखा है? क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। तो यीशु मसीह क्या बताते हैं? यीशु मसीह बताते हैं कि सब्त के दिन का प्रभु यीशु मसीह खुद हैं। और यहाँ पे वचन हमें क्या बता रहा है कि ये सब बातें, ये सब्त का दिन, ये सब क्या है? ये आने वाली बातों की छाया है। तो आने वाली वस्तुओं की छाया है, ऐसे करके बताया गया है। अगर हम इब्रानियों 10:1 को देखते हैं, क्योंकि व्यवस्था जिसपे आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं। तो व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, विश्राम दिन भी व्यवस्था में शामिल है। तो आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है और उनका असली स्वरूप नहीं है। असली स्वरूप कौन है? असली स्वरूप यीशु मसीह है। तो दोबारा कुलूसियों 2:17 को पढ़ेंगे, दोबारा से कुलूसियों 2:17, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि ये विश्राम का दिन यीशु मसीह है, मनुष्य का पुत्र विश्राम के दिन का प्रभु है। इसलिए विश्राम के दिन कुछ नहीं करना है, सच में आराम करना है। तो मतलब जो लोग बोझ को उठाए हुए होते थे, तो जैसे ही मतलब शुक्रवार को सूरज डूब जाता था, वो अपना बोझ एकदम से उठा के फेंक देते थे और आराम करते थे। अरे विश्राम का दिन है, और मतलब आराम से बैठ जाते थे, वो विश्राम का दिन है। उसी प्रकार हमारे जीवन में हम पूरे जीवन पाप का बोझ उठाए हुए थे,
हम सच में अपनी मुश्किलों परेशानियों का बोझ उठाए हुए थे, दुख में, बीमारी में, सच में बच्चों का बोझ, बच्चों को पालने का बोझ, नौकरी पकड़ने का बोझ, लोगों की आपस में समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, ये सब बोझ तो जो पूरा जिंदगी हम अपने ऊपर उठाए हुए थे। हम ऐसे लोग थे, लेकिन प्रभु हमसे क्या कह रहा है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उस बोझ को नीचे रख सकते हैं, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर उसे खत्म कर दिया है। इसलिए सातवें दिन, उत्पत्ति 2:3 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दिया और पवित्र ठहराया। इसलिए सातवां दिन यीशु मसीह को आशीष दिया और सच में यीशु मसीह को पवित्र ठहराया। तो सातवें दिन का जो असली स्वरूप है वो यीशु मसीह है। तो सातवें दिन हम क्या कर सकते हैं? आराम कर सकते हैं। सब काम अपना नीचे रखे हम आराम कर सकते हैं। इसलिए हम लोग यीशु मसीह में प्रवेश किए हुए लोग, सब के दिन में प्रवेश किए हुए लोग, तो सच में जिस प्रकार से उन लोगों ने विश्राम किया, हम भी विश्राम कर सकते हैं। इब्रानियों 4:10 में ये वचन है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। हाँ, आमेन। तो हम क्योंकि यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह के अंदर जो है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। अगर हम यीशु मसीह में हैं तो हम विश्राम का मजा ले सकते हैं। इसलिए हमारा बोझ, हमारा सारा सच में जुआ हम क्रूस के ऊपर, हमने यीशु मसीह के ऊपर उसको सौंप दिया। तो अब हमें क्या करना है? यीशु मसीह के आसान से जुए को, उसके आसान से बोझ को उठाना है, जो कि खुशी से भरा हुआ है, आराम से भरा हुआ है। तो वो हमारा जो मतलब मेहनत का बोझ था वो उतर गया और यीशु मसीह के जुए को हमने पा लिया, जिसमें क्या होता है, तो उस गाय के समान, सच में यीशु ने उस जुए को उठाया हुआ है, हमें उस बछड़े के समान बस यीशु की दिशा में चलते चले जाना है। जिस प्रकार सच में गाय या गधे का बच्चा उसके साथ साथ चलता चला जाता है, तो हमारे आत्मिक जीवन का रूप भी कलीसिया के अंदर बिल्कुल इसी प्रकार का रूप है। जैसे कि मैंने बताया कि मिशनरी जब पत्थर उठा रहे थे तो भारी लग रहा था, लेकिन जैसे पानी में गए तो उसका भार महसूस नहीं हुआ और उनका जो शरीर था वो पानी के भाव से बच सका। तो उसी प्रकार हम इस दुनिया के भाव से नहीं बहते जाते, और हमने जिस प्रकार उस पत्थर को उठाया हुआ है, हमने यीशु मसीह के जुए को, यीशु मसीह के बोझ को जब तक अपने गले से लगाया हुआ है, जब तक हमने कलीसिया सुसमाचार के बोझ को अपने गले से लगाया हुआ है, और जिस दौरान हम ऐसे अपना आत्मिक जीवन जीते हैं, तो हम आराम से उस नदी को पार कर सकते हैं। हम इस दुनिया के भाव से नहीं बहकर जाएंगे, ये हमें बताने की कोशिश की गई है। तो जो फरीसी लोग थे वो बिल्कुल भी अपनी समझ से यीशु मसीह जो बता रहे थे वो उसको नहीं समझ पा रहे थे, उस बात को नहीं स्वीकार कर पा रहे थे। इसलिए तो आज जो मती की किताब में हमने पढ़ा, मती 11 के आखिरी भाग में क्या लिखा हुआ है, 25 में, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। तो यहाँ पे ज्ञानी और समझदार कौन है? फरीसी हैं। तो वो उन ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है। तो फरीसी लोग सोचते थे कि वो बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन वे अपने ज्ञान और समझदार समझ से सच में सप्त के दिन से, विश्राम के दिन से बंधे रहे और सारी जिंदगी उस बोझ को उठाते रहे। लेकिन ये बालक कौन है? बालक यीशु मसीह के चेले हैं। तो सच में डाकुओं से मारा गया व्यक्ति, सामरी स्त्री, व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री जिसपे पत्थर पड़ने वाले थे, वो औरत, तो क्रूस पे चढ़े हुए डाकू के ऊपर, ऐसे बालकों के ऊपर प्रभु की सच्चाई प्रकट हुई, इसके लिए यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं। और यीशु मसीह बोलते हैं कि ये पिता की इच्छा थी, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। और उसके बाद
यीशु मसीह कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो उस जमाने के जो शास्त्री फरीसी थे, धार्मिक लोग थे, व्यवस्थापक थे, वो लोग यीशु मसीह को नहीं समझ सके। वे यीशु मसीह जो सत्य का प्रभु है उसे नहीं जान सके। वे अपना बोझ उठाते रहे, अपने जीवन का बोझ, अपने धर्म का बोझ, सच में पाप के बोझ को वो खुद उठाए रखे। लेकिन हम लोगों ने यीशु मसीह में उस सारे बोझ को नीचे रख दिया है। हम पर थोड़ी सी भी दंड की आज्ञा नहीं है जो यीशु मसीह में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। तो हमें इस मेहनत के बोझ को उठाने की जरूरत नहीं है। हम यीशु मसीह में आराम कर सकते हैं। सबका दिन आराम का दिन है। अगर हम काम करेंगे, बोझ उठाएंगे, तो हमें पत्थर पड़ेंगे। तो हमें काम नहीं करना है, हमें सिर्फ विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया है, और हमें यीशु मसीह के बोझ को, उसके जुए को उठाना है। तो हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। तो हम लोग ऐसे लोग थे जो सिर्फ नाश हो सकते थे, बर्बाद हो सकते थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा प्रभु ने हमें बहुत ही अद्भुत आशीष दिया है। तो यशाया 56 का एक वचन, थोड़ा सा जो समय बचा है मैं वो आपसे बांटना चाहूंगा। यशाया 56 का 3 वचन जब हम देखते हैं, जो परदेशी यहोवा से मिल गए हैं, तो ये परदेशी हैं, ये यशाया के ज़माने की बात है। तो मतलब उस ज़माने में परदेशी कौन थे? जो अन्य जाति थे, जिन्होंने मतलब सप्त के दिन को नहीं माना, जिन्होंने खतना नहीं कराया, जो कि अशुद्ध खाना खाते थे। तो ये परदेशी, ये अन्य जाति, जिनको मतलब जानवर के समान समझा जाता था। तो मतलब यहूदी इन परदेशियों को देख के क्या बोलते थे कि ये तो मतलब नर्क जाने लायक हैं, ये तो आग में जाएंगे। लेकिन यशाया 56 के 3 में आज यरूशलेम में ये वचन बता रहा है। ये कितना अद्भुत वचन है। तो जो परदेशी यहोवा से मिल गए हैं, तो ये हम लोगों के लिए, हम अन्य जातियों के लिए बहुत ही अद्भुत वचन है। तो यहूदी लोग, जैसे आज हम इन यहूदियों के बारे में पढ़ा जो यीशु मसीह से बहस कर रहे हैं कि क्यों तेरे चेलों ने बाले तोड़ के खाई, या फिर निकोदिमस जैसे लोग, या जो सदकी फरीसी जैसे लोग बाइबल में थे, तो ऐसे लोग, उनके हिसाब से यशाया जो बोल रहा है वो सही नहीं है। ये क्या मतलब बनता है? परदेशी क्यों यहोवा की सभा में आएंगे? वो ऐसा सोचेंगे। लेकिन अगर हम निष्कर्ष निकालें, तो जो परदेशी यहोवा के साथ मिल गए हैं, तो ये वो परदेशी हैं जो यीशु मसीह में प्रवेश किए हैं, जिन्होंने विश्वास से यीशु मसीह को स्वीकार किया है। ये वो अन्य जाति हैं, सच में, जिन्होंने यीशु मसीह की धार्मिकता, यीशु मसीह की पवित्रता को क्रूस के द्वारा स्वीकार किया है। वो अन्य जाति, वो यहोवा के साथ मेल किए हुए परदेशी हैं। तो वो यहोवा के साथ मेल किए हुए परदेशी यीशु मसीह के द्वारा, उनके विषय में प्रभु क्या कहता है? वो कहता है, यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, ऐसा मत कहो, और खोजे भी ना कहें, हम तो सूखे वृक्ष हैं। ये खोजे कौन हैं? खोजे कौन होते हैं? बाइबल खोजों के विषय में क्या बताता है? तो व्यवस्था विवरण 23 के 1 में क्या लिखा है? जिसके अंत कुचले गए या लिंग काट डाला गया हो, वह यहोवा की सभा में ना आने पाए। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये जो खोजे लोग होते हैं, ऐसे लोग बाइबल के हिसाब से यहोवा की सभा में नहीं आ सकते। अन्य जाति यहोवा की सभा में नहीं आ सकते। 3 में क्या लिखा हुआ है? कोई अमोनी या मोआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए, उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी ना आना पाए। तो कौन यहोवा की सभा में नहीं आ सकते? या अमोनी और मोआबी अनंत काल तक यहोवा की सभा में नहीं आ सकते। लेकिन ये अमोनी मोआबी सच में यहोवा की सभा में नहीं आ सकते, लेकिन मोआबिन स्त्री रूत, आप उसे याद करते हैं, तो वो रूत यीशु मसीह की वंशावली में प्रवेश की। मत्ती 1 में उसका नाम लिखा हुआ है। तो अमोनी और मोआबी कभी भी यहोवा की सभा में प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन क्यों रूत प्रवेश कर सकी? यीशु मसीह के क्रूस के लहू की वजह से वो ऐसा कर सकी। तो चाहे कोई खोजा है, चाहे सच में कोई
जिसके लिंग कुचले गए हैं, काटे गए हैं, जो लोग जो यहोवा के उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, सभा में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन वो कैसे प्रवेश कर सकता है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा प्रवेश कर सकता है। तो प्रेरितों 8 में जब हम देखते हैं, तो प्रेरितों 8 में ये सुसमाचार अन्य जातियों का प्रवेश होना शुरू हुआ। तो सबसे पहला अन्य जातियों में से जिसने उद्धार पाया, जिसने सुसमाचार सुना, वो कौन था? आप जानते हैं, वो एक खोजा था। वो सच में कूश देश से आया हुआ रानी का मंत्री और खजांची, एक खोजे ने सबसे पहले अन्य जातियों में से उद्धार पाया। तो ये बहुत बड़ा अधिकारी था और ये फिलिपुस को मिलता है। और यशाया 53 के वचन के द्वारा ये भीड़ जिसके विषय में लिखा हुआ है, ये मेमना कौन है? तो सच में वो रानी का अधिकारी वो यशाया 53 का वचन सुनता है और फिलिपुस की बात को सुन के उसको वचन समझ में आता है और वो उद्धार पाता है। तो पहला अन्य जाति जिसने उद्धार पाया वो एक खोजा है। तो खोजे कौन है? जैसे हमने अभी पढ़ा व्यवस्था विवरण 23 में, जिसके अंट कुचले गए हों या जिसके लिंग काटे गए हों, वो यहोवा की सभा में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये खोजे लोग सच में रानियों के साथ काम करते थे, रानियों के बहुत नजदीक रहते थे, इसलिए इनके लिंग काट दिए जाते थे। तो इसलिए ये लोग यहोवा की सभा में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो अन्य जाति सच में उद्धार नहीं पा सकते, यहोवा की सभा में नहीं आ सकते, लेकिन यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा सच में अन्य जातियों के लिए उद्धार पाने का मार्ग खुल गया। तो उन अन्य जातियों में से सबसे पहले किसने उद्धार पाया? एक खोजे ने उद्धार पाया। तो उसी प्रकार हम लोग ऐसे लोग हैं जो इस लायक नहीं हैं कि उद्धार पाएं, हम इन खोजों जैसे लोग हैं। सच में हम उद्धार पाने के लायक नहीं हैं, हम मुआबियों और अमनूनियों की संतानों के समान हैं, लेकिन हम यहोवा की सभा में प्रवेश कर सके, हम इस कलीसिया के अंग बन सके, हम परमेश्वर के पुत्र बन सके, उसका कारण क्या है? वो उसका कारण यीशु मसीह का लहू है जो उसने क्रूस पे बहाया है। सच में उस लहू ने हमें परमेश्वर की संतान बनाया, हमें विश्राम में प्रवेश कराया, हमें पवित्र किया, हमें उसकी पवित्र लोगों की सभा में मिलाया और अपने वादे में प्रभु ने हमें प्रवेश करने दिया। ये कितनी अद्भुत बात है। दोबारा यशाया 56 का 3 हम देखेंगे, तो जो परदेशी यहोवा से मिल गए हैं ये हम हैं। तो सच में हम कैसे यहोवा के साथ मेल कर सके, हम कैसे यहोवा के साथ एक हो सके? तो क्या आप 40 दिन उपवास रख के ऐसा कर सकते हैं? तो हम मनुष्य क्योंकि बुरा पेड़ हैं, हम सिर्फ बुरा फल उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम कैसे कुछ करके सच में सच्ची दाखलता की डाली बन सकते हैं? तो हम कैसे उसके साथ साटे जा सकते हैं? तो हम परदेशी होते हुए भी यहोवा से मिल सके, इसलिए प्रभु हमें क्या वादा करता है कि वह हमें निश्चय अलग नहीं करेगा। और चाहे कोई खोजा भी क्यों ना हो, चाहे वो सच में यहोवा की सभा में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु कहता है कि अपने आप को सूखा वृक्ष ना कहे। क्यों? क्योंकि खोजा भी जीवन के फल उत्पन्न कर सकेगा। तो आज हम भी खोजे जैसे व्यक्ति हैं, हम ऐसे लोग थे जिसके पास सच में प्रभु का जीवन नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा प्रभु का जीवन हमें मिला और हम ऐसे लोग बन गए जिनके पास जीवन है। इसलिए हमें बताया गया है कि अपने आप को सूखा और वृक्ष ना कहें। 4 में क्या लिखा है? क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम के दिन को मानते हैं। तो ये विश्राम के दिन को मानना क्या है? विश्राम के दिन काम नहीं करना वो मतलब नहीं है, लेकिन यशाया जिस विश्राम के दिन की बात कर रहा है, वो विश्राम का दिन यीशु मसीह की बात कर रहा है। अगर यीशु मसीह मेरे मन में प्रवेश करे, अगर मैं यीशु मसीह में प्रवेश करूं, तो फिर मैं अपना बोझ नीचे रख सकता हूं, अपने पाप के बोझ से आजाद हो सकता हूं और सच्चे विश्राम को मैं मान सकता हूं। तो ये विश्राम के दिन को मानना है, क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, यहोवा कहता है। तो प्रभु को प्रसन्न करने वाला काम क्या है? जब यीशु मसीह यरदन में बपतिस्मा लेके बाहर आता है, तो फिर स्वर्ग खुल जाता है और एक पवित्र आत्मा एक कबूतरी के रूप में नीचे उतरता है और परमेश्वर क्या कहते हैं कि ये मुझे प्रसन्न करने वाला है, मुझे प्यार करने वाला है। तो क्या चीज परमेश्वर को प्रसन्न करता है? यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया और हमारा सारा पाप अपने ऊपर उठा लिया, उसको देख के परमेश्वर प्रसन्न हुए। तो परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्रसन्न करने वाली बात क्या थी?
सच में जब यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर वे क्रूस पर उनके लिए बलिदान हो गए और हमारे पापों की कीमत उसने चुका दी, तो उस चीज ने परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्रसन्न किया। तो इसलिए वचन यहाँ क्या कहता है कि जो मेरे विश्राम के दिन को मानते हैं और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, तो ऐसे खोजे जो कि उसके वचन का पालन करते हैं, उसकी वाचा को पकड़ते हैं। उसकी वाचा को पकड़ना क्या है? यहाँ पे वाचा नई वाचा है। तो यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा चाहे कोई खोजा है, चाहे कोई मुआबिन है, चाहे कोई अमूनी है, चाहे कोई बहुत भयानक खूनी है, कोई बहुत बड़ा पापी है, तो चाहे कोई डाकू है, चाहे कोई वेश्या है, चाहे कोई चुंगी लेने वाला है, चाहे कोई भी नई वाचा को पकड़ता है, उस पर विश्वास करता है, तो चाहे कोई ऐसा खोजा भी क्यों ना हो, तो यहोवा के विषय में क्या कहता है? मैं अपने भवन और अपनी शहर पनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिटाया जाएगा। तो ये नाम किसका नाम है? सच में यीशु मसीह का नाम उनको दिया गया है और यीशु मसीह के द्वारा उन्हें सदा का विश्राम दिया गया है। तो वचन हमें ऐसा बता रहा है। तो आज ये वचन सच में हमारे लिए कितना अद्भुत है, बहुत ही सच में आशा देने वाला वचन है। परिश्रम करने वाले हैं, बोझ से दबे हुए हैं, वो मेरे पास आए, मैं उन्हें विश्राम दूंगा और मेरे जुए को उठाएं, मेरे बोझ को उठाएं। सच में मेरा बोझ हल्का है, मेरा जुआ आसान है। हम यीशु मसीह के अंदर विश्राम कर सकते हैं और जो जुआ, जो बोझ यीशु मसीह ने हमें दिया है वो बहुत आसान है, वो बहुत हल्का है। कलीसिया का बोझ, सच में सुसमाचार का बोझ, जब तक हम उसको उठाते हैं तब तक हम प्रभु के साथ खुशी और धन्यवादी मन से जी सकते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, आप प्रभु के बोझ को उठाइए और खुशी से अपना जीवन जिए। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करूंगा। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। तो आज सुबह भी प्रभु यीशु मसीह विश्राम दिन का प्रभु है और सच में हम जो परिश्रम करने वाले हैं, बोझ को उठाए हुए हैं, हम सब प्रभु की मसीह में प्रवेश कर सके और आराम कर सके, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने अपना बोझ, अपना जुआ हमें दिया है। आपने कहा है कि इसके द्वारा हम ताकत पा सकते हैं, विश्राम पा सकते हैं। हमारे सारे भाई बहन यीशु मसीह के अंदर सच में बहुमूल्य जीवन जी सके, विश्राम का जीवन जी सके। प्रभु आपने ऐसा जीवन हमें दे दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन।